हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरफ मैं वेस्ट क्वेश्चन 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए, जो भी आप अभी तक पढ़े हैं, चाहे एमपी टेट एग्जाम के बाद, एमपी सुपर टेट वर्ग 2 वर्ग 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी एंड यूपी एलटी ग्रेड एंड एकलव्य मॉडल स्कूल, चाहे अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार के वीडियो थ्योरी सेशन डिटेल में समझाया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और डेली बेसिस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराती हूँ। तो इसी तरह आपको प्रिपरेशन करते रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, इननोमिनेट बोन के निचले भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इननोमिनेट बोन को निचले भाग को क्या कहते हैं, जैसे कि इननोमिनेट बोन जो होती है वो इलियम, इस्टिमियन, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिक, इन तीन हड्डियों से मिलकर इननोमिनेट बोन हिप का निर्माण करती है। तो सबसे निचले भाग, इन नॉमिनेट बोन के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं, इन नॉमिनेट बोन के सबसे निचले भाग को कहते हैं इस्टियम। आंसर नंबर गो यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट है, ह्यूमरस का सिरा कंधे के किस जोड़ में जाकर फंसता है। तो ह्यूमरस का सिरा जो है कंधे के ग्लेनॉइड कैविटी में जाकर फंसता है, जिससे कंधे में जो है सभी दिशाओं में गति होती है। नेक्स्ट है, मोटर कार रेसिंग की कारों में किस सिद्धांत पर आधारित ब्रेक सिस्टम लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह लगाया जाता है बार्नौली के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर ग, बार्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मोटर कार रेसिंग के कारों में ब्रेक सिस्टम लगाया जाता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानक टेस्ट के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं टेस्ट एंड मेजरमेंट्स वाले सभी टॉपिक को डिटेल में बताया हुआ है, तो उसके अंतर्गत आपने देखा होगा क्राइटेरिया फॉर टेस्ट इवैल्यूएशन, यानी कि क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, किसी टेस्ट के लिए एक अच्छा मानक टेस्ट के लिए अनिवार्य क्या क्या होना चाहिए। तो साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी कि वैज्ञानिक प्रमाणिकता, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिबिलिटी यानी कि प्रशासनिक व्यवहारिकता एंड एजुकेशनल एप्लीकेशन यानी शैक्षिक प्रयोग, ये तीन चीज़ें आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रमाणिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता, शैक्षिक प्रयोग। वैज्ञानिक प्रमाणिकता में रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका इन सभी ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी। ठीक है, इन तीनों में से जो दिया रहेगा, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता एंड शैक्षणिक प्रयोग, यहाँ पे साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी कि वैज्ञानिक प्रमाणिकता आवश्यक है। एंड साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, वैज्ञानिक प्रमाणिकता के अंतर्गत रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रूसो ने किसका सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, रूसो ने किसका सिद्धांत दिया, रूसो ने प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म का सिद्धांत दिया। प्रकृतिवाद के जनक किसे कहा जाता है, रूसो को। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ बैठकर शुरू की जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को क्राउच स्टार्ट बोला जाता है। क्या, क्राउच स्टार्ट। स्टार्ट दो प्रकार के होते हैं, सिटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट, और एक होता है स्टैंडिंग स्टार्ट। सिटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट जो है बैठकर किया जाता है, ये स्प्रिंट दौड़ों में किया जाता है क्राउच स्टार्ट, जैसे 100, 200, 400 मीटर दौड़ में एंड 4x100 मीटर एंड 4x400 मीटर रिले रेस में सिटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट लिया जाता है, जिसमें तीन प्रकार के होते हैं, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट एंड एलॉन्गेटेड स्टार्ट। और स्टैंडिंग स्टार्ट जो है मध्यम और लॉन्ग
डिस्टेंस के दूरी जैसे कि दौड़, जैसे कि 800, 1500, 3000, 5000, 10000 मीटर दौड़ में स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूद स्पर्धाओं को दो भागों में कैसे बांटा गया है। जो कूद स्पर्धाएं हैं उसको दो भागों में कैसे बांटा गया है, तो यहाँ पे वर्टिकल जंप एंड हॉरिजॉन्टल जंप इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि वर्टिकल में आपका हो जाएगा हाई जंप एंड बांस कूद, और हॉरिजॉन्टल में आपका लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप हो जाएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक के छल्ले में पीला रंग किसको इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। तो ओलंपिक के छल्ले में पांच रंग के पांच छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप महाद्वीप का, पीला एशिया महाद्वीप का, काला अफ्रीका महाद्वीप का, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। तो यहाँ पे पीला किसका प्रतीक होगा, तो एशिया महाद्वीप का प्रतीक होगा। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। तो सोशल थ्योरी यानी सामाजिक सिद्धांत एंड मनोरंजन सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत एंड कैथेटिक थ्योरी, इन दोनों को दिया है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने। किसने दिया है, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो सबसे लार्जेस्ट मसल्स आपका है ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप की मसल्स होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे लंबी होती है सार्टोरियस, सबसे छोटी स्टेपीडियस कौन की। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक जो अनाउंस करता था खेल का उसको क्या कहा जाता था। तो उसको स्पोंडोफोरी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, स्पोंडोफोरी। नेक्स्ट, वह कौन सा कवि था जो विजेताओं के नाम से कविताएं प्राचीन कालीन ओलंपिक में गाया करता था। तो जो भी प्राचीन ओलंपिक में विजेता हुआ करता था उसके नाम से कविताएं किया करता था, उसका क्या नाम था। तो पिंडार नाम का कवि हुआ करता था। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पूर्ण सोने के पदक दिए गए। तो 2012 स्टॉकहोम स्वीडन ओलंपिक में पूर्ण सोने के पदक दिए गए। नेक्स्ट है, भाले यानी जेवलिन द्वारा तय किए गए रास्ते को क्या कहा जाता है। तो जेवलिन ही नहीं, जो भी चीज आप फेंकेंगे तो फेंकने से लेकर गिरने तक की जो बीच का रास्ता होता है उससे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी पथ। क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी पथ कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणे विस्थापन किसका क्या कहलाता है। तो ये वर्क वर्क कहलाता है। यहाँ पे विज्ञान में आपका साइंस में जो है वर्क वो तभी माना जाएगा जब वो विस्थापन होगा। आप एक क्विंटल लेकर के एक ही जगह खड़े रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो वर्क नहीं माना जाएगा। तो बल गुणे विस्थापन ये आपका वर्क का सूत्र है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, यह पश्च ब्रेन का भाग जिसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आता है, जिसमें से सेरिबेलम जो है हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है, और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है सभी अनैच्छिक क्रियाओं को जैसे श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। कौन करता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट है, सेमी मेम्ब्रेनियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो जांघ के पीछे की मांसपेशी को हम हेमिस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, जो तीन पेशी से मिलकर बना होता है। कितनी पेशियों से, हेमिस्ट्रिंग मसल्स जो होती है तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस एंड बाइसेप्स फेमोरिस। यह जांघ को मोड़ने में काम आता है। नेक्स्ट है, इनवर्ड रोटेशन शरीर के किस जोड़ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे नी ज्वाइंट, सैक्रो इलियक ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट।
तो रोटेशन, इनवर्ट रोटेशन, रोटेशन जो है यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट आपका हो जाएगा। इनवर्ट रोटेशन किस जोड़ द्वारा किया जा सकता है? शोल्डर ज्वाइंट के द्वारा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस क्वेटेंट, आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले बताया था बीने ने, एल्फर्ड बीने ने, एंड आईक्यू का सूत्र दिया था सबसे पहले। तो बुद्धि सिद्धांत सबसे पहले एक तत्व तो सिद्धांत दिया था अल्फर्ड बीने ने। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा पूछा हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था अल्बर्ट बीने ने, जबकि बुद्धि लब्धि आईक्यू को सबसे पहले सूत्र दिया था एम ए बटा सी ए स्टर्न ने। अब बुद्धि लब्धि मापक के जनक जो है सबसे पहले अच्छे से दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने, एम ए बटा सी ए गुणे सौ, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे सौ सबसे पहले दिया था टर्मन ने। अब बुद्धि लब्धि बुद्धि पर पहला बुद्धि परीक्षण किया था अल्बर्ट बीने ने, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है दांतों को देखकर कौन सी उम्र का पता लगाया जाता है? तो दांतों को देखकर कौन सा उम्र का पता लगाया जाता है? तो दांतों को देखकर एनाटॉमिकल एज का पता लगाया जाता है, दांतों और हड्डियों के द्वारा एनाटॉमिकल एज का पता लगाया जाता है, एंड दिन महीने वर्ष के द्वारा क्रोनोलॉजिकल एज का पता लगाया जाता है, एंड आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे सौ से आपका मेंटल एज का पता लगाया जाता है। जो शरीर में हार्मोनल्स इम्बेलेंस होते हैं किशोर अवस्था में लड़के लड़कियों में, उससे फिजियोलॉजिकल एज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है एनएसएनआईएस पटियाला की स्थापना कब हुई? तो 7 जून 1961 को एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा एनएसएनआईएस पटियाला की स्थापना हुई। नेक्स्ट है एक धावक के जूते के नीचे कील यानी स्पाइक्स क्यों होती है? तो दोस्तों वो जमीन से पकड़ बनाता है, यानी कि घर्षण फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन के लिए घर्षण बना रहे जिससे फिसल के गिरे ना, उसके लिए लगाया जाता है जूते के नीचे कीले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गो आपका राइट होगा, फॉर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के लिए, घर्षण उत्पन्न होने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रसाइटिस नामक चोट शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ब्रसाइटिस संबंधी जो इंजरी है, चोट है, वह ज्वाइंट से रिलेटेड है, ज्वाइंट से यानी कि जोड़ों में लगने वाला चोट है, जैसे कि चल संधि के पास की चोट यानी ज्वाइंट इंजरी एट मूवेबल ज्वाइंट के पास ये ज्यादा लगता है। नेक्स्ट है कोले कैल्सिफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो कोले कैल्सिफेरॉल जो है वह विटामिन D3 को बोला जाता है, जैसे कि विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन, कैल्सिफेरॉल आदि नामों से जाना जाता है। इसमें दो मुख्य होता है D2 एंड D3। D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जिससे के कमी के कारण टिटेनी यानी अस्थियों में ऐठन आता है, एंड D3 को वैज्ञानिक नाम कोले कैल्सिफेरॉल है। D3 जो है सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, सुखंडी हो जाता है, अस्थियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं इसके दौरान, एंड वयस्कों में ऑस्टियो मलेशिया यानी मृदुलास्थि हो जाता है, पसलियाँ या हड्डियाँ, कूल्हे, जबड़े आदि प्रभावित होती हैं, एंड ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, अस्थियों में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है, पतली द्रव्यमान व कम, बार बार टूटने वाला हो जाता है, एंड टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त D3 कोले कैल्सिफेरॉल बनता है, जो इंसुलिन को क्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह बीमारी से बचाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो कॉफी में कौन सा रसायन पाया जाता है? कैफीन। कौन सा रसायन पाया जाता है कॉफी में? कैफीन। नेक्स्ट है महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम बताइए। तो महिला वॉलीबॉल की
राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम है पूर्णिमा ट्रॉफी। क्या नाम है? पूर्णिमा ट्रॉफी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा एशियन खेल 1954 में आयोजित हुआ, इसे 1951 के बाद 3 वर्ष बाद क्यों आयोजित किया गया? तो इसका रीजन था ऑप्शन नंबर ख, लैक ऑफ, इसका रीजन था लैक ऑफ प्रिपरेशन बाय इंडिया, यानी कि जो भारत देश की तैयारी जो है वो नहीं हो पाई थी इस वजह से। एशियन गेम का पिता डॉक्टर जी डी सोंधी को बोला जाता है, जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल के पिता बैरन पियरी कुबर्टिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसके लेखक हैं चार्ल्स ए बूचर। कौन है? चार्ल्स ए बूचर ने इसको लिखा है। चार्ल्स ए बूचर के इस पुस्तक को शारीरिक शिक्षा का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, के पार्क किस चर्चित पुस्तक किताब के लेखक हैं? के पार्क किस चर्चित किताब के लेखक हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी कि हेल्थ एजुकेशन से संबंधित पुस्तक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन नामक पुस्तक लिखा है के पार्क ने। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बानीपुर में। कहाँ पे स्थित है? बानीपुर में, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सबको पता है बेसबॉल है। नेक्स्ट है, हाथ की, एक हाथ में कितने फ्लैंजियस यानी हाथ की फ्लैंजियस यानी उंगलियां की हड्डियां होती हैं? तो 14 होती हैं। उंगलियों की हड्डियां कितनी होती हैं एक हाथ में? तो 14 होती हैं। चार उंगलियों में तीन तीन यानी 4 3 12 और अंगूठे में 2 यानी 14। 14 14 हड्डियां होती हैं एक एक हाथ में, और पैर की उंगलियों में भी 14 14 होती हैं। नेक्स्ट है, अंधेरे से अचानक उजाले में आने पर आंखों के सामने अंधकार सा छा जाता है, फिर धीरे धीरे उजाला होता है, ये किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दोस्तों यह रेडॉप्सिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेडॉप्सिन प्रोटीन के कारण होता है। जैसे कि दोस्तों हमारे आंखों में 2 सेल पाया जाता है, एक रोड सेल जिसे छड़ कोशिका कहते हैं, एक कोन सेल जिसे शंकु कोशिका कहते हैं। रोड सेल जो होता है अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताता है, यानी कि मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने का कार्य करती है, अंधेरे उजाले में अंतर करने का काम करता है। और रोड सेल के ऊपर रेडॉप्सिन लेयर होता है जिसमें रेटिनिन और ऑक्सिन होता है। जो विटामिन ए की कमी होती है तो रेटिनिन जो है वह कम होने से, विटामिन ए की कमी होने से रेटिनिन नहीं बनता, रेटिनिन की कमी से रेडॉप्सिन लेयर खराब हो जाती है और रोड सेल काम नहीं करता, जिसे व्यक्ति अंधेरे में नहीं देख पाता। एंड दूसरा होता है आपका कोन सेल, ये तीव्र प्रकाश में रंग के लिए, रंग की पहचान करने में पहचान सहायता करता है, यानी तीव्र प्रकाश में रंगों के अंतर बताता है जैसे लाल पीला हरा। यानी कि जब कभी हम अंधेरे में से जाते हैं तो कोन सेल में एक तरह का प्रोटीन होता है निकलना बंद हो जाता है, इस वजह से कलर नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अंधेरे से अचानक उजाले में आने पर आंखों के सामने अंधकार सा छा जाता है, फिर धीरे धीरे उजाला होता है। तो ये किस प्रोटीन के कारण होता है? रेडॉक्सिन लेयर के कारण, क्योंकि अचानक अंधेरे से उजाले में आते हैं तो रेडॉक्सिन लेयर का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है एंड धीरे धीरे अपना प्रभाव, प्रकाश जो है प्रभाव कौन से दिखाता है। तो जितना समय रेडॉप्सिन लेयर के प्रभाव को कम होने में लगता है उतना समय तक हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में तैयार ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में तैयार ऊर्जा का स्रोत को क्या कहा जाता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोड्रोम किसे कहा जाता है?
तो वेलोड्रोम जो है वह कहा जाता है साइकिलिंग ट्रैक को वेलोड्रोम कहा जाता है, यानी कि साइकिलिंग खेल के मैदान को, साइकिलिंग ट्रैक या ग्राउंड को वेलोड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियां जो है 5 प्रकार की होती हैं, जैसे कि शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमोइड बोन। लॉन्ग बोन में हाथ पैर की हड्डियां जैसे कि रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला। शॉर्ट बोन में हमारे कलाई यानी कि टार्सल और कार्पस बोन आ जाता है जैसे, एंड फ्लैट बोन में चपटा बोन आता है जैसे कि हमारे खोपड़ी की हड्डी। एंड इरेगुलर मतलब अनियमित हड्डियां हमारे चेहरे की और रीढ़ की हड्डियां आ जाएंगी। एंड सिसमोइड बोन जो होता है हमारे कंडरा या जोड़ के आसपास होती हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है घुटने का पटेला। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो आप सबको पता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला आरबीसी जो है वह ऑक्सीजन को लेकर के समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में यह ग्लूकोज को माध्यम से एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट, पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंतर को ही हम कहते हैं पल्स प्रेशर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, जैसे कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं, बीच में मोटी हड्डी जिसे स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम से दोनों तरफ 12-12 हड्डियां जुड़ी होती हैं, यानी 12 जोड़ी, और संख्या में पूछेगा तो 24 हड्डियां हो जाएंगी। और कितने प्रकार की होती है? तो 3 टाइप्स की होती हैं। कितनी? 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रू रिप्स जो है 3 पेयर, 7 पेयर से होती है जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, और फॉल्स रिप्स जो है 3 पेयर में होती हैं, 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं 3 पेयर में, यानी कि ये तीनों जो है स्टर्नम से जुड़ने से पहले तीनों एक में मिलकर जुड़ती हैं। और चौथा तीसरा प्रकार होता है फ्लोटिंग रिप्स, यानी तैरने वाली पसलियाँ 11वीं या 12वीं होती हैं, 2 पेयर में होती हैं। इस प्रकार थ्री टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि चयापचय के लिए कार्य करती है? तो समस्त मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण करता है थायराइड ग्लैंड। कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी है? एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी है? तो मिडल ईयर्स बोन है। मिडल ईयर्स यानी कि कान के मध्य की जो हड्डियां होती हैं, होती इसमें 3 हड्डियां आती हैं, जैसे कि मिस यानी कि मेलिस, स्टेपस, इनिकस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस, कान की। नेक्स्ट है, टंग बोन किसे कहा जाता है? तो जो हमारे टंग बोन जो हायर बोन को कहा जाता है, जो हमारे गर्दन पे सामने नीचे जो हमारा स्वरयंत्र होता है वहां पे होता है। तो हायर बोन ये एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती। नेक्स्ट है, इननोमिनेट बोन के 3 भागों का नाम लिखिए। तो इननोमिनेट बोन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर घर राइट है इलियम, इस्टमियन एंड प्यूबिक। ये तीनों मिला करके इननोमिनेट बोन यानी हिप का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया था? तो 2010 राष्ट्रमंडल खेल जो है भारत में ही संपन्न हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेल है इसकी शुरुआत प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था, एंड 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, एंड 23वां होगा आपका 26 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, एंड 2022 बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का
भारत ने 61 मेडल प्राप्त किया है, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में 5 कारक आते हैं, जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। उसी प्रकार मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में भी 5 कारक आते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है लंबवायर्ड स्ट्रक्चर किन हड्डियों के मध्य पाया जाता है। तो लंबवायर्ड स्ट्रक्चर जो है ऑसिपिटल एंड पैराइटल हड्डियों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट है एक पैर में कितनी मेटा टार्सल बोन पाई जाती है। टार्सल तो 7 पाए जाते हैं और मेटा टार्सल जो है 5 पाए जाते हैं। एंड हाथ की कार्पल या मेटा कार्पल हाथ में भी आपका 5 पाए जाते हैं और पैर में मेटा टार्सल जो है 5 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बनाना किक का संबंध किस खेल से है। तो किक शब्द आते ही आप जान गए होंगे तो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिक का संबंध किस खेल से है। तो फ्लिक का संबंध जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिसीडिंग का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध खो खो से है। किससे है, खो खो से है। खो खो जो है सेंट्रल लेन के अतिरिक्त पैरों के पीछे लाना रिसीडिंग कहलाता है, जो कि फाउल है। ठीक है, जो कि फाउल है। तो दोस्तों आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय।